फिलहाल अभी हो रहा है गुड आफ्टरनून, तो सभी को गुड आफ्टरनून। और यस, मेरी दिवाली वाला शॉपिंग हॉल में दिवाली से पहले ही आई नो मैंने उसको अपलोड किया था, फ्लिपकार्ट और अमेजोन का मैंने शॉपिंग हॉल दिखाया था, जिसमें इस हुक्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि लिंक दे दो मैम, लिंक प्रोवाइड कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदे हैं, ये मैंने सरोजनी नगर मार्केट से खरीदे हैं। और आई थिंक मैंने सरोजनी नगर मार्केट की शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, बट उसमें मैंने ये हुक्स नहीं दिखाए थे। तो ये हुक्स सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज के मैंने लिए थे, उसने 30 रुपीज के बताए थे। तो हाँ, अगर इन हुक्स का मुझे ऑनलाइन लाइक लिंक मिलता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट ये मैंने हुक्स जो लिए हैं ये मैंने सरोजनी नगर मार्केट से लिए हैं। सो आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक बना है। सो आज हम आपको लेकर आएंगे, आपको इंजॉय और खुद भी इंजॉय करेंगे, है ना कृष्णा, और कृष्णा भी इंजॉय करेगा। और ये रहा कृष्णा और ये रही कौन है, ये मम्मी क्रिस्की, किसकी मम्मी है, नानी, कृष्णा की नानी है मेरी मम्मी। मम्मी हाय बोल दो। तो मम्मी जा रही है, भाई जा रहा है, भाभी जा रही है, तो वो लोग आगे बैठे हैं जो आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स गेट गो। हम आपका वो कर रहे हैं ताकि क्या कहते हैं आप भूल जाओ, तो क्या कहते हैं इसमें हम लोग देख सके इन फ्यूचर, क्योंकि मम्मी हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तो मम्मी कह रही आप लोग याद रखो, हम लोग नहीं याद रखेंगे। तो इन फ्यूचर अगर मम्मी भूल जाती तो मम्मी को वीडियो दिखा दूंगी, है ना। सो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, आवाज बहुत तेज गूंजने वाली है तो ज्यादा तेज नहीं बोलूंगी। तो हियर्स अनामिका जी, हियर्स मम्मा जी, और सारे लोग आगे चले गए। मैं आ चुकी हूँ आज आप सबको लेके ग्रैंड वेनिश मॉल, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, नियर परी चौक। जो लोग जा चुके हैं वो भी मुझे बताना, और जो लोग नहीं गए हैं वो एक बार यहाँ पे जरूर घूमना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी जगह है। सो बहुत दिन हो गए थे, मन बहुत उब रहा था, तो मुझे लगा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने चलते हैं। सो आज हम लोग आए हैं ग्रैंड वेनिश मॉल। तो यहाँ पे कृष्णा का भी बहुत दिन से मन कर रहा था कुछ मस्ती करने का, कुछ फन करने का, और घर में रहते रहते कुछ ना कुछ प्लान जो है वो बनाना ही चाहिए। सो आज है सैटरडे और हम सभी लोग, मम्मी और मेरा भाई वगैरह, हम सारे लोग जो है वो आए हैं यहाँ पे कृष्णा की मस्ती कराने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कृष्णा की मस्ती जो है वो स्टार्ट करा दी है, घूमा नहीं, सबसे पहले कृष्णा की मस्ती स्टार्ट करी, क्योंकि कृष्णा एक दिन पहले से ही एक्साइटेड था कि मुझे ये करना है, मुझे राइडिंग करनी है, मुझे ये करना है। सो यहाँ पे कृष्णा की मस्ती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और आई होप आप लोग भी देख के फुल ऑन एंजॉय करेंगे, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये एक किड्स मस्ती जोन है करके, पूरा किड्स के लिए है, बड़ों के लिए भी है, तो कुछ किड्स के भी हैं यहाँ पे और बड़ों के लिए भी हैं। सो यहाँ पे सारे ही लोग मिलके जो है वो मस्ती कर रहे हैं, साथ ही साथ मम्मी
एंड अनामिका जो कि मेरी भाभी है और भाई वगैरह सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मस्ती जो कर रहा है वो है कृष्णा, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लाइक उसको लग रहा है कि एक बार में वो सारे जितने भी राइड्स हैं वो एक बार में सारे कर ले, तो वो एक पे 1 मिनट बैठता है, फिर जस्ट भागता है और दूसरे पे भाग जाता है। सो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से हम लोग कृष्णा को इंजॉय करा रहे हैं, उसी के साथ साथ हम भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चे खुश हैं तो उसी में हम लोगों की भी खुशी है। तो यहाँ पे मैं आई थी आज कृष्णा को लेके, और मतलब उसके मामा वगैरह सभी लोग हम लोग आए थे यहाँ पे लेने के लिए। तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और आप लोगों को कैसा लगा हमारा इंजॉयमेंट मुझे जरूर बताना। बहुत दिन हो गए थे घर से, कहीं बाहर नहीं गए थे, घर के ब्लॉग, तो मुझे लगा चलो आज हम लोग भी थोड़ी सी मस्ती करते हैं, बाहर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करी यहाँ पे ये बॉलिंग गेम से, उसके बाद एक ये फियर करके कुछ था जिसमें हम लोगों को अंदर जाना था। लाइक मुझे तो बहुत ही ज्यादा डरावना लगा, तो मैं तो नहीं गई, मम्मी ने कोशिश करी, ट्राई किया, मगर बीच में से फिर भाग आए। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी सारी तरीके की लाइक यहाँ पे स्केटिंग्स वगैरह होती है, जिसका आई थिंक -12 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का और सेल्सियस डिग्री जो है यहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ठंडा प्लेस है, और यहाँ पे अंदर स्केटिंग्स वगैरह, आइस स्केटिंग्स और जो भी आइस में होने वाले जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। बहुत ही प्यारी ये जगह लगी मेरे को, और हम लोगों की तो हिम्मत नहीं हुई, तो हम लोगों ने ये नहीं किया था क्योंकि कृष्णा साथ में था, कृष्णा का अलाउड नहीं था, तो फिर पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जाना तो सबको एक ही साथ अंदर था, तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं गए। बट यहाँ की डेकोरेशन वगैरह बहुत ही प्यारी थी, और एक बार आप लोग भी मेरे कहने से, अगर आप नियर बाय ग्रेटर नोएडा रहते हैं तो आई नो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कहीं दूर रहते हो, घूमने का प्लान है तो जरूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग इंजॉय करिएगा और बने रहिएगा। यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक बार मुझे भी मौका दीजिएगा, मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक। लाइक तो जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही के लाइक करने से मुझे मोटिवेशनल मिलता है और मुझे हिम्मत मिलती है, और मुझे आगे की तरफ काम करने के लिए भी अच्छा लगता है। सो चलिए मैं करती हूँ अपने ब्लॉग के एंड, टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।